हम मैकेनिकल स्टडिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लू मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड जो चैप्टर है वो हम पढ़ रहे थे ठीक है तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली इस चैप्टर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था जब आपका फ्लूड रेस्ट पे है जब आपका फ्लूइड मूव कर रहा है और लास्ट पार्ट में हम आपका विस्कोसिटी और सर्फिस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे वो बाद में एंड में पढ़ लेंगे ठीक है अभी फिलहाल हमने जो जो फ्लूड आपका रेस्ट था वो वाला पार्ट कवर कर लिया उसके अंदर हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ा हमने देखा कि आपका अगर आप पानी में डीप जा रहे हो तो आपका प्रेशर किस तरीके से चेंज होता है एटमोस्फियर प्रेशर गेज प्रेशर और एप्सरूट प्रेशर इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा फिर हमने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े पी इक्वल टू रोजी एच वाले फॉर्मूले की एप्लीकेशन जिसमें थी बैरोमीटर मैनोमीटर यू शेप ट्यूब ये सब हमने कवर किया उसके बाद लॉ भी हमने कवर किया हाइड्रोलिक लिफ्ट हम समझ चुके हैं एंड

थिंग है जो इस चैप्टर में आज की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है आज की क्लास सबसे इम्पोर्टेंट है जो ये बर्नॉलीज इक्वेशन का टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बोथ फॉर योर सी बी एस ई एंड योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इस चैप्टर में बर्नौली इक्वेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ठीक है तो सब बच्चे अच्छे से समझेंगे हम इसका प्रूफ भी करेंगे आज इसकी कुछ एप्लीकेशन भी बताऊंगी इसके क्वेश्चन भी समझेंगे कोई भी बच्चा क्लास के बीच में नहीं जाएगा ठीक है ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्लास के बीच में छोड़ के मत जाओ या फिर टेस्ट आप कंटिन्यूअसली दो क्लासेस भी आप कंटिन्यूसली अटेंड करो इसका रीजन यही है कि ठीक है हम आपको अटेंडेंस के मार्क्स नहीं देते ठीक है दैट इज तो ऑब्वियस अटेंडेंस के यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं है बट अगर हमारी कोई भी स्कीम आती है जैसे हम बाद में कभी कुछ ऐसा करते हैं कि अच्छे बच्चों को टैबलेट्स मिलेंगे जो बच्चे अच्छा तो वो खाली मेरिट के बेस पे नहीं होता उसमें आपकी भी देखी जाती है छोड़ के जा रहे हो या फिर आप टेस्ट अटेंड नहीं कर पा रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो वो सारी चीजें ना नोट हो जाती है फिर वो अगर कोई बेनिफिट आपको मिल रहा है टैबलेट मिल रहे हैं या फिर कुछ भी हेल्प मिल रही है तो उसमें थोड़ा सा हिंडर करेगा बाद में अभी की बात नहीं करी तो अभी से ही ट्राई करो कि एक हैबिट फॉर्म करो कि हर संडे टेस्ट देंगे और क्लासेस डेली अटेंड करेंगे ताकि आप लोगों को भी बाद में कोई दिक्कत ना आए ठीक है बेटा तो आज की क्लास काफी इम्पोर्टेंट है बर्नॉलीज इक्वेशन पढ़ेंगे बर्नॉलीज इक्वेशन का प्रूफ भी करेंगे और फटाफट इसकी जो एप्लीकेशन है ट्राई करेंगे थोड़ी सी एप्लीकेशन भी कवर कर पाए तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं ठीक है बेटा अभी दे रही है बाद में अभी फिलहाल जैसे हरियाणा सरकार के लिए चल रहा है वहां पे प्रोजेक्ट जब दिल्ली सरकार में आएगा तब भी आप लोगों को भी मिलने के चांसेस है ठीक है अरे नहीं विक्रम ऐसा नहीं है बेटा चलो अब फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में तो डायनामिक का मतलब क्या होता है बेटा डायनामिक का मतलब मुझे बताओ वॉट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूड डायनामिक्स डायनामिक्स क्या पढ़ा था पिछली क्लास में इसका मतलब क्या होता है चलते रहना मोशन वेरी गुड मोशन मतलब आपका फ्लूड जो है वो मूव कर रहा है उसके बाद जो major चीज़ हमने हमने पढ़ी पढ़ी थी थी वो थी, हमने के बारे में कि फ्लो का मतलब क्या होता है है ना वेरी गुड सही बोल रहे हो बेटा विक्रम शिवम अमित शोएब विवेक अरबाज सब सही बोल fluid dynamics, मतलब fluid हो रहे हो फ्लूइड डायनामिक्स मतलब फ्लूड का मोशन हो रहा है फ्लूइड मूव कर रहा है उसके बाद हमने कवर किया था स्ट्रीम फ्लो तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि अगर आपकी ऐसी कोई ट्यूब है कुछ भी ऐसे ट्यूब है आपकी और इसके अंदर आपका कुछ फ्लूड फ्लो कर रहा है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का क्या मतलब है अगर ये पॉइंट ए है इस पे विलोसिटी वी है तो जो भी फ्लूड के मोलिक्यूल इस पॉइंट से पास करेंगे उसकी विलोसिटी वी ही रहनी चाहिए और अगर ये पॉइंट बी है इस पे विलोसिटी वी है तो जो भी फ्लूड के मॉलिक्यूल्स बी वाले पॉइंट से पास करेंगे उसकी वेलोसिटी वी टू होनी चाहिए ठीक है वेरी गुड एवरी पार्टिकल जो भी पिछला फ्लूड का पार्टिकल होगा वो आगे वाले फ्लूड के पार्टिकल के पाथ पार्ट को ही फॉलो करता है ये भी हमने पढ़ा था और कोई भी अगर फ्लूड मॉलिक्यूल एक पॉइंट से पास कर रहा है उसकी वेलोसिटी सेम होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट ठीक है दिस इज व्हाट वी स्टडीड अबाउट स्ट्रीमलाइन फ्लो फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी वो थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको रिमाइंड करवा रही हूँ ये हम बर्नॉलीज इक्वेशन में questions में हर जगह पे आज की क्लास में भी यूज करेंगे ठीक है वेरी गुड शो है विक्रम विवेक से बिल्कुल सही बोल रहे हो ये हमें स्ट्रीमलाइन बताता है कि स्ट्रीमलाइन क्या होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है ठीक है कि कोई भी पार्टिकल पिछले पार्टिकल का पाथ फॉलो करेगा किसी भी एक पॉइंट से अगर आपका किसी एक पॉइंट को हम कंसिडर कर ले उस पॉइंट से जो भी फ्लुइड मॉलिक्यूल क्रॉस करेगा उसकी वेलोसिटी सेम आएगी ठीक है बच्चों अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी हमने पढ़ी थी उसमें हमने क्या देखा था कि अगर ये मेरा एरिया ए वन है एंड दिस इज माई एरिया ए टू ठीक है वेरी गुड प्रीति विवेक दोनों सही बोल रहे हो यहाँ से जो आपका फ्लूड घुस रहा है वो वीवन वेलोसिटी से आ रहा है से से आपका वेलोसिटी बाहर आ रहा है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलती है A1 V1 is equal to A2 V2. मतलब एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा फॉर अ आइडियल फ्लूड फ्लो ठीक है बेटा हाँ आइडियल गैस पे भी अप्लाई कर सकते हैं आइडियल फ्लूड है ना वो भी तो आइडियल गैस पे भी अप्लाई कर सकते हैं so. यहां तक सबको क्लियर है ये वाली चीज सबको क्लियर है ठीक है एवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा चलो अब आगे चलते हैं आज के चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं पिछले चैप्टर में जो भी किया था वो हमने फटाफट पिछले क्लास में जो हमने किया था वो हमने रिवाइज कर दिया है तो अब आ जाओ बर्नौलीज थ्योरम पे तो बर्नौली जी एक साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था ये ये वैलिड खाली आपके आइडियल फ्लूइड के लिए वैलिड है आइडियल फ्लूड जब आपका फ्लो कर रहा है और आपका स्ट्रीमलाइन मोशन हो रहा है तब ये इंटू प्ले आ जाता है ठीक है तो ये बोलता क्या है अब ये समझते हैं सपोज आप लोगों के पास ना पहले इसका डायग्राम अच्छे से समझो सब बच्चे आपके पास एक पाइप है ठीक है एक पाइप है आपके पास कुछ इस तरीके से आपकी पाइप है अलग अलग हाइट पे है वो पाइप इस तरीके से ठीक है इस तरीके से आपके पास कुछ पाइप है ये आपकी ग्राउंड है तो आप देख सकते हो कि इस पाइप की यहां से जो हाइट है वो इसकी एच वन है और यहां से जो आपकी इसकी हाइट है वो इसकी एच टू ठीक है पहले डायग्राम समझो उसके बाद हम आगे मूव करेंगे बेटा आइडियल फ्लूड हमने पिछली क्लास में कवर किया था ठीक है आइडियल फ्लूड का मतलब होता है कि वो कंप्रेस नहीं हो सकता इनकम्प्रेसिबल होता है आइडियल फ्लूड हमने देखा था कि उसकी विस्कोसिटी जीरो होती है नॉन विस्कस होता है एंड आइडियली आइडियल फ्लूड जो होता है वो इरोटेशनल भी होता है ठीक है बच्चा अगर किसी की स्क्रीन शो नहीं हो रही तो थोड़ा इंटरनेट इशू है अभी दिख रही है स्क्रीन सबको दिख रही है डायग्राम दिख रहा है ये पाइप वाला ठीक है बेटा चलो अब इसके अंदर से कुछ फ्लूड फ्लो कर रहा है ठीक है हम ये बोलेंगे कि ये जो पाइप है इसमें कुछ फ्लूड फ्लो कर रहा है जिसकी डेंसिटी आपकी रो है ये जो आपका एरिया है वो आपको ए गिवन है और ये वाला जो एरिया है वो आपको ए गिवन है यहां से जो फ्लूइड जा रहा है उसकी वेलोसिटी v1 है सपोज इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो है v2 यहाँ पे प्रेशर की भी टर्म होगी अब जहां पे फ्लूइड है वहां पे प्रेशर तो होगा ही होगा ना बेटा तो यहां पर जो प्रेशर है इस वाली साइड पे जो प्रेशर है उसको मैं बोल रही हूं p1 प्रेशर है यहाँ पर और यहां पे आपका p2 प्रेशर है ये आपका डायग्राम है ठीक है तो बर्नौलीस इक्वेशन जो होती है ना बर्नौलीस इक्वेशन हमने देखा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक्चुअली इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो होती है वो आपकी कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड है बर्नॉलीज इक्वेशन जो है आपकी दैट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ठीक है वो आपकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है ठीक है तो ये इक्वेशन बोलती क्या है पहले ये देखते हैं उसके बाद हम इसको डिराइव करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बोलती है कि ये जो टर्म है आपकी प्रेशर प्लस रो जी एच

तो यहां पर भी मैं लिख सकती हूँ कि P1 वन प्लस रो जी एच वन प्लस हाफ रो वी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू वॉट पी टू प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर ठीक है वी वन स्क्वायर और वी टू स्क्वायर ये हमारी अः uh, बर्नॉलीज जो है बर्नॉलीज इक्वेशन जो है ऐसा कुछ हमें बोलते यहां तक सबको समझ में आया कि हाँ मैम ये स्टेटमेंट जो है वो हमें समझ में आ गई ठीक है इसको आप सब बच्चे याद करो बेटा आपका जो ये रियल गैस वाला क्वेश्चन है ये क्लास के एंड में एक बार टेकअप करते हैं आप ये वाली चीज पहले समझ लो ये आपका दूसरे चैप्टर का पार्ट है ये इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट इतना नहीं ठीक है बच्चों ये वाली चीज सबको समझ में आई अब इसको हम डिराइव करेंगे एक बार रिपीट कर देती हूँ कि आपके पास एक पाइप है पाइप का एक एंड हाइट h1 पे है पाइप का दूसरा एंड जो है वो हाइट h2 पे है डेंसिटी जो है फ्लूइड की इसमें से rho डेंसिटी का फ्लूइड पास कर रहा है ये जो एरिया है वो a1 है ये जो एरिया है वो a2 है यहाँ पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी है v1 है यहाँ पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो v2 है ठीक है प्रेशर p1 प्रेशर p2 बोला क्या है कि प्रेशर प्लस रोजी एच प्लस हाफ रोवी स्क्वायर मस्ट बी अ कांस्टेंट वैल्यू ठीक है बेटा okay गंश्याम। इसको अब प्रूफ करने पे चले। ठीक है अब चलो इसको प्रूव करते हैं डेरिवेशन इसकी करते हैं कि कैसे डिराइव करते हैं अच्छी डेरिवेशन है वर्क एनर्जी थियरम के ऊपर बेस्ड है तो अच्छे से समझना पहले फिर से डायग्राम ही समझा रही हूं ठीक है तो सबसे पहले डायग्राम फिर से बना देती हूं कि मैम ऐसे चलो इसको थोड़ा सा नीचे कर देता अच्छे से समझ में हमारे पास कुछ पाइप ही है ना ऐसा ही कुछ पढ़ा था ना डायग्राम में हमने कि हाँ मैम इस तरीके की कुछ पाइप है हमारे पास ये हमने बोला कि ग्राउंड है तो ग्राउंड से ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपने बोला एच वन है ये वाला जो यहां से हाइट है वो आपने बोला एच टू ठीक है अब इसके अंदर से कुछ फ्लू पास कर रहा है मैं ना फ्लूड के दो सेक्शन कंसिडर कर लेती हूँ एक आपका ये सेक्शन है इनिशियली पॉइंट 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 पे पे था ए ए इसका जो एरिया है वो आपका ए वन है और यहाँ पे जो विलोसिटी है वो आपको वी वन बोल रहे हैं ठीक है तो हाइट भी फिर हमें यहीं से लेनी पड़ेगी ना तो हाइट एक बार ये रब कर देती हूँ बाद में एक बार फिर से लिख दूंगी हाइट भी तो वहीं से लेनी पड़ेगी ठीक है ये आपका पॉइंट ए बोल रही हूँ ये मैं बोल रही हूँ ये वाला जो है ये आपका पॉइंट बी तो हम खाली जो फ्लोइड ए बी वाले पार्ट के अंदर है उसकी हम बात करेंगे ठीक है तो अब बात करते हैं ए पॉइंट पे जो आपका एरिया है वो आपको ए वन गिवन हैिवन है बी पॉइंट पे जो एरिया है वो आपको ए टू गिवन हैिवन है ये जो हाइट है वो आपकी एच वन हो गई और ये जो हाइट है वो आपकी एच टू हो यहां तक डायग्राम सबको समझ में आया धीरे धीरे करके पूरा डायग्राम समझने की कोशिश करो बेटा मुश्किल नहीं है ठीक है टेक्निकल सा कॉन्सेप्ट है मुश्किल नहीं है ये आपका सर्कल की फॉर्म में है बेसिकली तो मैंने ड्रॉ नहीं किया कुछ इस तरीके से ठीक है ये तो सिंपल है तो अब हम खाली एबी के बीच में बेटा शो नहीं हो रहा जिसको शो नहीं हो रहा कुछ ना कुछ इंटरनेट में दिक्कत है और कुछ बात नहीं है स्क्रीन स्ट्रक है एक सेकेंड रुको अभी आ जाएगा बेटा खाली इंटरनेट का दिक्कत है और कुछ इशू नहीं है ठीक है अभी दिख गया सबको ठीक है अभी ओके है तो हम खाली फ्लूड की जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे जो बिटवीन ए बी हमारा फ्लूड है उसके बात करेंगे बिटवीन ए बी जो सो नाउ कंसिडर टाइम इंटरवल डेल्टा टी कंसिडर टाइम इंटरवल डेल्टा टी तो इस टाइम इंटरवल में क्या होगा जो भी ये फ्लूड है ईबी के बीच में वो थोड़ा आगे चला जाएगा तो लेट मी से लेटमी सेक्शन जो है हमारा ये जो सेक्शन है है इट टू ए प्राइम प्राइम बी ठीक बेटा तो वो मैं व्हाइट से बना देती हूँ आप लोगों को ताकि ईज रहे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दे लेट हो गए बेटा क्लास में तो अब होगा क्या कुछ टाइम के बाद ये वाला जो फ्लूड है ये सेक्शन थोड़ा आगे चला जाएगा तो अब यहां पर आ गया मेरा एक ये आ गया मेरा ए प्राइम पॉइंट और ये आ गया मेरा बी प्राइम पॉइंट ठीक है ये है बी प्राइम ये है ए प्राइम यही होगा डेल्टा टी टाइम में इसमें तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ठीक है बेटा नहीं है तो अब मुझे कोई बच्चा भी ये बता दो बेटा प्राइम मे, मेरे को ना पता नहीं आप इसको क्या बोलते हो इसको क्या बोलते हो जो ए के ऊपर लगा रखा है हमने आई कॉल दिस प्राइम ठीक है हमारे मास्टर्स में सब टीचर बैचलर्स में भी सब टीचर तो तो ये ए डैश बी डैश है वैसे ये वैसे होता है ठीक है तो इसलिए इसको ए डैश बी डैश नहीं बोलते हैं ठीक है बच्चा तो अब है क्या मैं डैश बोलने की कोशिश करूंगी हो सकता है फिर भी मैं प्राइम बोल दू तो आप लोग समझ जाना अब कोई मुझे ये बताएगा कि ये डिस्टेंस कितना होगा

ठीक है बच्चों चलो अब देखते हैं कि वर्नोलीस थ्योरम को डिराइव कैसे कर सकते हैं ठीक है? तो है तो ये वाली डेरिवेशन करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी वर्क एनर्जी थियोरम की तो क्या कोई मुझे याद दिला सकता है कि वर्क एनर्जी थियोरम का क्या मतलब था वॉट इज द मीनिंग ऑफ वर्क एनर्जी थियोरम बेटा वेरी गुड सब सही बोल रहे हो शिवम शोएब नमन प्रीति निशांत पिंकू यहीं पे आएगा ये वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय वर्क एनर्जी टर्म आता है, related, बोलता क्या है चलो वर्क एनर्जी थियोरम कुछ ऐसे बोलता है कि जितनी भी आपकी फोर्सेज है सिस्टम इस, इस में जो काम कर रही है तो जो वर्क डन होगा बाय ऑल द फोर्सेज वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज जितनी भी फोर्सेज है जितना काम कर ले वो इक्वल होगा आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के दिस इज वॉट वर्क एनर्जी टेल्स यू राइट कि आपके सिस्टम में जितनी भी फोर्सेस है जितनी भी फोर्सेस है जितना वर्क डन कर रही हैं, जितनी फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन हो रहा है दैट मस्ट बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ठीक है इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना सिंपल सी बात है यही तो बोल रहा है नहीं बेटा पोटेंशियल एनर्जी वर्क एनर्जी थियरम में नहीं आता वो आपका वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में आ जाएगा वो भी देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी कैसे आता है बट वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क एनर्जी थियरम ठीक है विश्वकर्मा चलो अब सबसे पहला जो हम वर्क डन कंसिडर करेंगे वो हम वर्क डन कंसिडर करेंगे बाय फ्लूइड प्रेशर इस फ्लूइड की वजह से इस फ्लूइड के ऊपर कुछ प्रेशर लग रहा है वर्क डन बाय फ्लूड प्रेशर इस तरीके से आपको किसी भी बुक में डेरीवेशन नहीं मिलेगी बुक्स के अंदर बहुत घटिया तरीके से इस चीज की डेरिवेशन लिखी हुई है ऑनेस्टली बता रही हूँ मुझे अपने स्कूल टाइम में डेरीवेशन समझ नहीं आई थी इसलिए थोड़ा सा फोकस करके ये डेरीवेशन समझ लो आपका सारा पार्ट क्लियर हो जाएगा बेटा अब फ्लूड पे प्रेशर जो लग रहा है जिसकी वजह से वो आगे जा रहा है यहाँ पर तो इस डायरेक्शन में कुछ प्रेशर लगेगा पीवन है ना पीवन लग जाएगा इधर इधर जो प्रेशर लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा इधर जो प्रेशर लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा है ना फ्लूड पे जो प्रेशर लगेगा इधर इस तरीके से लगेगा वन और इधर जो भी एटमोस्फियर है जो भी आपकी ये पाइप है उसकी वजह से जो प्रेशर लगेगा टू लगेगा यही चीज नोटवर्दी है कि पीटू और पीवन की डायरेक्शन किस तरीके से है पीवन इस तरीके से आ रहा है पीटू इस तरीके से आ रहा है ठीक है तो हम वर्क डन बाय फ्लूड प्रेशर कैसे निकाले वो है हमारी मेजर दिक्कत कि मैम वर्क डन बाय प्रेशर कैसे आएगा तो सब बच्चे पहले ये समझो कि हमें पता है है प्रेशर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स फोर्स अपॉन एरिया एरिया मतलब जो है मेरी वो हो गई मल्टीप्लाइड इस चीज से सब लोग अग्री कर रहे हैं कि हाँ मैम प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया हो जाएगा है ना फोर्स विल बी प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया तो वर्क डन कितना होता है फोर्स डॉट डिस्टेंस का मतलब प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय जो भी डिस्टेंस कवर्ड है वो आपका वर्क डन है ठीक है बेटा हाँ बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर लगेगी इस इस वजह से नहीं दोनों साइड से वाटर फ्लो यहां से अंदर जाएगा यहां से बाहर आएगा ठीक है ऐसा सीन हो रहा है पिंकू यहां से अंदर जा रहा है यहां से बाहर आ रहा है तो अब अगर मुझे वर्क डन लिखना है बाय फ्लूइड प्रेशर वो कितना हो जाएगा खाली ये वाले एरिया को देखो बेटा प्रेशर यहां पर कितना है पी वन इधर एरिया कितना है ए वन और एक्स क्या है डिस्टेंस कवर्ड तो डिस्टेंस कवर्ड हमने क्या निकाला था बेटा व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस केस वी वन डेल्टा टी तो निकाला था हमने डिस्टेंस कवर्ड तो मैम ये तो वी वन डेल्टा टी आ गया है ना और इस केस में हमारे पास अब आगे वाले के लिए क्या प्रेशर है प्रेशर नेगेटिव में है क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है पी टू ए टू और यहां पर अब ये डिस्टेंस कितना है वी टू डेल्टा टी ये वाला स्टेप सबको समझ में आ गया समझ नहीं आया बेटा हमने लिखा कि वर्क डन बाय बाइड प्रेशर की वैल्यू हमें निकालनी है तो यहां से हमने देखा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया मतलब फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड आपका होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई जो भी आपका छोटा सा डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है वो तो वर्क डन है आपका प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया मल्टीप्लाइड बाई एक्स इस केस में आपका प्रेशर P1 है एरिया A1 है और जो डिस्टेंस कवर्ड है वो है V1 डेल्टा T और यहाँ पे जो क्या हो रहा है कि प्रेशर जो है वो आपका उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है तो यहाँ नेगेटिव लिख दिया माइनस पी टू ए टू एरिया है अब ना एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में जब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम डिराइव कर रहे थे कि वॉल्यूम का क्या एक्सप्रेशन होगा इधर वट विल बी दी हाँ ये तो हमने पढ़ा था इस पे भी मैं अभी आ रही हूं। यहां पर वॉल्यूम कितनी होगी बेटा एव क्या है uh, बेटा ए इज योर एरिया ठीक है ए इज इज योर एरिया वी द ओके बेटा रितु ए इज आपका एरिया एरिया की जो टर्म है वो हमने ए लिखी है वी इज योर तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया आपको फोर्स दे रहा है और वी वन डेल्टा टी आपका एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा नेगेटिव इसलिए है क्योंकि यहां पे प्रेशर और विलोसिटी सेम डायरेक्शन में यहाँ पर प्रेशर उल्टी डायरेक्शन में विलोसिटी के इसलिए हमने एक नेगेटिव साइन लगा दी थी है ठीक है बच्चा चलो अब बताओ कि ये ये जो यहाँ पर मैंने एरिया शेड कर रखा है इसकी वॉल्यूम कितनी है व्हाट इज दिस वॉल्यूम इज दिस वॉल्यूम डीएम मतलब बेटा हाँ ये तो हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में यहाँ पर किसी भी सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट हाँ यार सही बोल रही भी लिख देती हूँ इसकी वॉल्यूम है ठीक है और वॉल्यूम की वैल्यू आपकी कितनी होगी बेटा ए वन वी वन मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी क्योंकि ए वन एप एरिया हो गया यहाँ पर और वी वन डेल्टा टी आपकी एक्स की वैल्यू हो गई ये हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के एक्सप्रेशन में भी पढ़ा था यहां तक ठीक है ठीक है ये चीज बेटा प्रेशर आपका जो ये फ्लूड के ऊपर लगेगा वो उल्टी डायरेक्शन में लगेगा ना एटमोस्फियर वगैरह जिसकी वजह से भी लग रहा है, है ना क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलती है कि ए वन वी वन जो है आपका ए वन वी वन डेल्टा टी ए वन वी वन शुड टू ए टू वी टू यहाँ पर ना आपकी जो डेंसिटी है, है जो आपकी डेंसिटी है दैट इज अपॉन वॉल्यूम तो जो वॉल्यूम आपकी होती है दैट इज डेंसिटी अपॉन मास अपॉन डेंसिटी ठीक है तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा मास अपॉन डेंसिटी ये तब को समझ में आया तो अब तो मैं ये वाली टर्म को रिप्लेस कर सकती हूँ ना इधर यहाँ पर a1 v1 डेल्टा t था उसको मैं लिख सकती हूँ डेल्टा m अपॉन रो इसको मैं a2 v2 डेल्टा t को भी लिख सकती हूँ डेल्टा m अपॉन रो तो वर्क कितना हो गया फ्लूइड प्रेशर की वजह से मैम p1 डेल्टा m अपॉन रो p2 डेल्टा m अपॉन रो कॉमन ले लो ठीक है सही बोल रहा है बच्चा तो फ्लूइड प्रेशर की वजह से क्या वर्क डन हो गया डेल्टा अपॉन रो डेल्टा है कि ये जो सा हमने यहाँ पे ये बनाया ना शेडेड रीजन इसके अंदर कितना है तो delta M upon rho, P1 minus P2. ये आ गया हमारा पहला वर्क डन फ्लूइड प्रेशर यहां तक क्लियर है सबको बेटा वॉइस यहां तक क्लियर है सबको ठीक है कुछ भी नहीं किया फ्लू प्रेशर की वजह से वर्क डन लिखा है पिछली क्लास का कहा था मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज यूज होगी वो कर कर जैसे पहले हमने डिराइव किया था एन डेल्टा टी को मैंने लिख दिया वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होती है आपकी मास अपॉन डेंसिटी तो बस वो वाली टर्म मैंने लिखकर काम कर दिया अपना खत्म ठीक है एक बार लास्ट वाली चीज रिपीट कर देती हूँ बेटा ए वन वी वन डेल्टा टी और ए टू वी टू डेल्टा टी जो है हमारे ये आपकी वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रही है ये वॉल्यूम अब हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू तो ये दोनों जो वॉल्यूम्स है वो भी हमारी सेम हो जाएंगी आ, बेटा आपको ना एरिया गिवन नहीं होगा इसलिए आप वो वाली चीज पुट इन ना करो तो बेटर रहेगा अभी हम बाद में जब इसकी एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे तब आप ये चीज समझोगे क्योंकि ये अभी खाली फर्स्ट स्टेप है आपका अभी जब आगे चलेंगे तब आप समझोगे कि इस फॉर्म में हमने क्यों लिखा होगा क्या कि ये जो डेल्टा एम वाली टर्म है वो कट जाएगी और आपके पास प्रेशर डेंसिटी एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी है, हाँ पे रो लिखा है। हाँ, एरिया डिफरेंट हो सकता है क्यों नहीं हो सकता इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में वही तो पड़ा था कि एरिया डिफरेंट होगा वेलोसिटी डिफरेंट होगी बट दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आपका सेम आना चाहिए ठीक है विक्रम विवेक निशांत ये क्लियर है चीज बेटा बेटा डेल्टा एम जो है वो आपका ये वाला जो शेडेड एरिया है ना ए ए प्राइम एरिया उसका जो मास है वो है उसके अंदर जो फ्लूड कॉन्सेंट्रेटेड है उसका मास ठीक है पिंकू और ये बी बी प्राइम का भी जो मास है वो है कंजर्वेशन ऑफ मास से ये दोनों भी तो है ना ठीक है आगे चले चलो अब आगे चलते हैं फटाफट ये वाली टर्म भी मैं इधर लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग भूलो ना फ्लूड प्रेशर की वजह से कितना आया हमारा डेल्टा एम अपॉन रो पी वन माइनस पी टू ये हमारा वर्क डन आ गया फ्लुइड प्रेशर की वजह से ठीक है बच्चा अब आगे चलते हैं अब जो सेकेंड हमें वर्क डन निकालना है वो हमें निकालना है ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी भी तो कुछ वर्क डन करेगी ना ग्रेविटी भी तो कुछ डन करेगी ना नहीं करेगी ये चीज याद रखो कि ग्रेविटी जो होती है वो आपकी कंजर्वेटिव फोर्स होती है तो ये भी आपने वर्क एनर्जी थियरम में पढ़ा है कि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो जो बच्चा पूछ रहा था कि मैम पोटेंशियल एनर्जी की टर्म नहीं आई वो यहां पर आ गई ठीक है बिल्कुल सही बोल रहे हो निशांत और प्रीति आप दोनों कि ग्रेविटी हमारी कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव ठीक है क्लियर है नमन विवेक तुषार शोएब सबको क्लियर है बेटा इसका मतलब क्या है कि work done because of gravity कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब नेगेटिव ऑफ यू फाइनल प्लस यू इनिशियल तो इसको आप लिख सकते हो इनिशियल माइनस फाइनल ठीक है इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी ठीक है तो अब चलो आगे चलते हैं अब फटाफट मैं लिख देती हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी आपकी एम होती है तो एमजीएच कितना यहाँ पे मास था आपका डेल्टा एम तो वर्क डन आपका कितना हो जाएगा ग्रेविटी की वजह से इनिशियल आपकी कितनी है डेल्टा एम जी एच वन माइनस डेल्टा एम जी एच टू इसमें किसी को कोई दिक्कत तो आपका वर्क डन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी कितना आ गया डेल्टा एम जी आपका कॉमन आ गया एच वन माइनस एच टू पीजी ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई ये चीज क्लियर है सबको अब बस फाइनली हमें ही करना है बस इसके बाद हमारा हो गया काम ठीक है तो चलो अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं पे अब लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम फाइनल स्टेप है वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने का देखा का, मतलब मुश्किल है डेरिवेशन थोड़ी सी लंबी भी है

माइनस हाफ डेल्टा एम वी वन स्क्वायर कोई दिक्कत कोई परेशानी इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है अब बस मैं एक्सप्रेशन पुटिंग करूंगी मेरा आंसर आ जाएगा आप देख लेना कैसे डेल्टा एम अपॉन रो आया था ये वर्क डन ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर पी वन माइनस पी टू प्लस डेल्टा एम यहाँ पे जी का भी आया था ना एक टर्म डेल्टा एम इंटू जी डेल्टा एम इन टू जी एच वन माइनस एच टू मस्ट बीवल टू हाफ डेल्टा एम वी टू स्क् माइनस हाफ डेल्टा एम वी वन स्क्वेर ये आ गई इक्वेशन हो रही है बेटा शो स्क्रीन अगर नहीं हो रही तो एक बार प्लीज रिफ्रेश करके फिर से ज्वाइन करो ये वाली इक्वेशन आई सबकी बच्चों ठीक है तो अब देखो यहां से कैसे कैसे सारी चीजें कट गई बेटा कुछ भी नहीं किया फ्लूड प्रेशर जो आया था फ्लूड प्रेशर की वजह से वर्क डन आया था उसका एक्सप्रेशन पुट इन कर दिया ठीक है विवेक ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन आया था उसका एक्सप्रेशन पुट इन कर दिया यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल आएगा हाफ डेल्टा एम वी टू स्क्वायर माइनस इनिशियल मतलब हाफ डेल्टा एम वी वन स्क्वायर वो पुट इन कर दिया अब तो बस काटा पीटी होगी ठीक है अब तो बस काटा पीटी करनी है हमको ठीक है तो आपका डेल्टा एम कट गया सारी साइड पे ये इसीलिए तो बोले थे डेल्टा एम तो कट ही जाएगा यहां पर आपके पास रो है नीचे तो रो से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा पी वन माइनस पी टू प्लस रो जी एच वन माइनस एच टू प्लस हाफ रो वी टू माइनस हाफ रो वी वन यह प्लस नहीं आएगा यहाँ पे इक्वल टू आएगा ठीक है दिस ओके गाइस तक क्लियर है सबको डेल्टा एम कट गया बस उसके बाद मैंने रो से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दी बेटा वी तो कॉमन आएगा ही नहीं ना वी कहां से कॉमन आएगा ठीक है तो अब ये वाली जो टर्म है इसको खोल देती हूँ रोजी एच वन माइनस रोजी एच टू आ जाएगा यहीं पे लिख देती हूँ उसको खोल के रो जी एच वन माइनस रो जी एच टू हो गया हमारा प्रूफ हो गया अब वन वालों को इस साइड पे ले लो टू वालों को इस साइड पे ले लो क्या बचेगा पी वन प्लस रो जी एच वन प्लस हाफ रोह वी वन स्क्वेर पी टू प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो वी टू तभी मैंने ये डेरिवेशन धीरे धीरे करवाई है ताकि धीरे धीरे करके आप लोगों को समझ में आ जाए इज इट ओके गाइज यही हमारी बर्नॉलीज थियरम था यही बर्नॉलीज इक्वेशन थी ये चीज सबको समझ में आई इज इट ओके ठीक है जिन बच्चों को डाउट है एक बार फटाफट इसको फिर से देखेंगे जब आपके पास नोट्स मैं सेंड करूंगी इस डेरिवेशन को आप लोग फिर से देखना आपको फिर से पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी ठीक है इतने अच्छे से इसीलिए समझाया है ठीक है बेटा अभी मैं कुछ लिख नहीं रही अभी इसलिए स्क्रीन तक इतने अच्छे से आपको ये डेरिवेशन इसीलिए समझाइए क्योंकि किसी भी बुक में ये अच्छे से नहीं दे रखी मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ मुझे मेरी जब टाइम पे मैं इलेवंथ में थी ये डेरिवेशन समझ नहीं आई थी हमारे टाइम पे यूट्यूब वगैरह पे भी इतनी सारी चीजें पॉपुलर नहीं होती थी आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक ट्वेंटी थर्टीन जब मैंने अपनी ट्वेल्थ खत्म करी थी तो ऑलमोस्ट नाइन ईयर्स हो चुके हैं ठीक है बेटा तो ये वाली डेरिवेशन इसीलिए मैंने अच्छे से बताई है ताकि कोई भी आपको स्ट्रेस ना ले ठीक है निशानस एक बार स्ट्रीम स्ट्रक हो रही है अगर एक बार प्लीज जैसे ही आपके पास नोट्स आए सबसे पहले ये डेरिवेशन रिवाइज करना यहां पर मैंने खाली मैथ्स करी है ठीक है यहाँ पर मैंने खाली जो एक्सप्रेशन थे वो डालकर काटा पीटी करके ओनली सिंपल मैथ करी है तो सब बच्चे आज की क्लास के बाद एक बार अपनी एनसीआर खोलेंगे जो भी रेफरेंस बुक है वो खोलेंगे ये वाली डेरिवेशन हाथ की हाथ फिर से करेंगे अपने आप हाँ। तो आपकी डेरीवेशन जो है वो फाइनल हो जाएगी ठीक है इसमें आपका जो मैक्सिमम पांच मार्क वाला क्वेश्चन है यूजुअली वो पूछा जाता है ये डेरिवेशन आपकी छोटी नहीं है लंबी डेरिवेशन है तो आपका पांच मार्क का क्वेश्चन डायरेक्टली आता है अगर मैक्स टू मार्क्स ऐसा होगा कि ये आपका चार मार्क का आएगा एक मार्क का आपका कुछ अलग दे, दे देंगे कि बताओ चलो इसकी एप्लीकेशन क्या है फिर कुछ भी ऐसा बट यूजअली ये पांच मार्क में पूछा जाता है ठीक है और ये काफी पेपर्स में आता ही आता है मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ कि ये इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है तभी इस पर मैंने अच्छे से ऐसे आधा घंटा लगाया है आपका ताकि इसको आप अच्छे से समझ लो ठीक है हाँ, बोर्ड में भी आता है बोर्ड तो आपका चलो ट्वेल्थ में है ना फाइनल आपका जो सीबीएसई का पेपर है उसमें आता है है एग्जाम में इसके भी काफी पूछे जाते हैं बहुत पॉपुलर है। तो चलो अब आगे चलते हैं इसके एक दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं एप्लीकेशन क्या होती है इसकी अब वो समझते हैं कि वॉट इज एप्लीकेशन फॉर बर्नॉलीज इक्वेशन इन फ्लूड फ्लो इसे नहीं भूलूंगा हाँ ठीक है बेटा बढ़िया है मैं बहुत खुश हूँ इसको आप नहीं बोलोगे ना तो तो एप्लीकेशन क्या है इक्वेशन की बड़ी ही इंटरेस्टिंग एक एप्लीकेशन है है डायनामिक लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन विस्कोसिटी मीटर इसकी नहीं है, वो विस्कोसिटी में आएगी कैपिलरी राइस आपका जब सर्फेस टेंशन वगैरह पड़ेंगे उसमें आएगा हाइड्रोलिक प्रेस भी इसकी नहीं है तो डायनामिक लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन इसकी इसकी होती है कैसे होती है मैंने एक बार आप लोगों को वो भी बता दी तो हमने क्या पढ़ा था कि प्रेशर प्लस रोजी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर मस्ट बी अ कांस्टेंट ठीक है इस चीज से सब लोग अग्री कर रहे हो ये हमने पढ़ा था तो यहां पे अगर आप देखो अगर ये रोजी एच वाली टर्म की हम बात ना करें अगर हम ये रोजी एच वाली टर्म की बात ना करें अगर मेरी वेलोसिटी कहीं पे ज्यादा है तो प्रेशर वहां पे कम हो जाएगा ताकि ये टर्म कांस्टेंट रहे ठीक है अगर मेरी वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा ताकि ये जो टर्म है वो कॉन्स्टेंट रहे और अगर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ताकि ये टर्म कांस्टेंट रहे इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है हाँ बेटा ये आइडियल के लिए वैलिड है अब समझो कि डायनामिक लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन कैसे काम करता है एरोप्लेन की ना एक ऐसी शेप होती है एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं कुछ इस तरीके से वो शेप्ड होते हैं ठीक है ऐसा कुछ सा शेप होता है नीचे से फ्लैट होते हैं तो ये जो शेप है इसको हम कहते हैं एरोफॉइल तो इस शेप की वजह से होता क्या है कि यहां से जो भी ये विंड पास कर रही है ना यहां से जो भी विंड पास कर रही है ऐसे नीचे से जो भी विंड पास कर रही है वो आपकी लो वेलोसिटी पे लो स्पीड पे पास करती है ठीक है बेटा मैंने ये बोला कि बर्नॉलीस थ्योरम हमें ये बताता है कि प्रेशर, प्रेशर प्लस रोजियस प्लस हाफ स्क्वायर मस्ट बी अ कांस्टेंट तो अगर वेलोसिटी ज्यादा है मतलब प्रेशर कम होगा तभी तो ये वैल्यू बैलेंस होगी और अगर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा अब आपका जो एरोप्लेन है उसके जो विंग्स हैं वो कुछ इस तरीके से डिजाइंड है ठीक है एरोप्लेन के विंग्स इस तरीके से डिजाइंड है कि नीचे से वो फ्लैट है और ऊपर से कर्वड है तो नीचे से जब आपकी एयर पास करती है तो वो लो स्पीड पे पास करती है और ऊपर से जब आपकी एयर पास करती है इस तरीके से आपका इस तरीके से वो प्लेन मूव कर रहा है तो यहां से जो आपकी एयर पास करेगी वो हाई स्पीड पे पास करती है ये जो है ये ये जो आपका हाई स्पीड पे होता है यहां पे किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो अगर यहां पर अब ये चीज देखो हाई स्पीड जहां पर है वहां पे प्रेशर कम होगा है ना हाई स्पीड जहां पे है वहां पे प्रेशर कम होगा प्रेशर इज लो और यहां पे आपकी लो स्पीड है प्रेशर इज हाई तो क्योंकि आपका ऊपर की साइड पर प्रेशर कम है नीचे की साइड पे प्रेशर ज्यादा है इसलिए आपकी ऊपर की तरफ डायनामिक लिफ्ट एक्सपीरियंस होती है ठीक है तो दैट इज वाई एक अपवर्ड लिफ्ट एक्सपीरियंस होती है और ये जो अपवर्ड लिफ्ट होती है इसी को डायनामिक लिफ्ट कहा जाता है ये चीज सबको समझ में आई यहां तक क्लियर है सबको बेटा ठीक है आगे चले एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल तरीके का क्वेश्चन है ठीक है चलो बढ़िया वेरी गुड सब बच्चों को समझ में आए कि आपकी एक एप्लीकेशन है ये वैसे हम बाद में पढ़ेंगे बट क्योंकि ये क्वेश्चन कर ही रहे थे तो इसलिए मैंने आपको साथ साथ में बता दिया इसी इसी तरीके से आपको सारी एप्लीकेशन को पढ़ना है ठीक है बेटा अब ये वाला ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्लिसरीन ऑफ डेंसिटी अब आपको ग्लिसरीन बोल रखा है ग्लिसरीन फ्लो कर रही है पाइप में ठीक है ग्लिसरीन की आपको डेंसिटी भी गिवन है कितनी गिवन है टू पर मीटर क्यूब आपको ग्लिसरीन की डेंसिटी गिवन है बोल रखा है एक कॉनिकल सेक्शन ऑफ अ पाइप के थ्रू पास कर रही है ठीक है तो आपके पास कुछ इस तरीके से है पाइप आपकी ऐसे है और उसके बाद पाइप का कुछ कम हो रहा है इस तरीके से तो आपको बोला है कि जो रेडियस है पहला वाला जो रेडियस है पाइप का वो आपको जीरो पॉइंट वन मीटर गिवन है और जो दूसरा वाला पार्ट है उसका आपको रेडियस गिवन है जीरो पॉइंट जीरो फोर मीटर आपको ये भी बोला है कि प्रेशर जो ड्रॉप कर रहा है वो आपको टेन न्यूटन पर मीटर गिवन है मतलब आपको पी वन माइनस पी टू की वैल्यू गिवन है टेन न्यूटन पर मीटर ठीक है इस पाइप का आपको निकालना क्या है रेट ऑफ फ्लो टू फाइंड रेट ऑफ फ्लो ये आपको काफी क्वेश्चंस में फाइंड करने को मिलेगा तो रेट ऑफ फ्लो निकालने का मतलब क्या है कि यू हैव टू डिटरमिन डिटर्मिन वैल्यू ऑफ ए वन वी वन ठीक है और ए टू वी टू क्योंकि दोनों इक्वल है ना तो ए वन वी वन या ए टू वी टू की वैल्यू निकालनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा ठीक है पहले बताओ इतना समझ में आया फिर फॉर्मुला पे भी आ रही हूँ यहां तक समझ में आया बेटा क्वेश्चन समझ में आया तो ना अब यहां पर यह देखो कि यहां पे आपको हॉरिजॉन्टल फ्लो का केस गिवन है दिस इज अ केस ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लो

क्या दिक्कत है ठीक है तो ये आपका हॉरिजॉन्टल फ्लो में बस H1 वन इज इक्वल टू एच आपको करना है और अब यहाँ पर आपको बाकी सारी चीजें गिवन है तो ऐसे कैसे करना है इसको अब ये यह समझो यहाँ पर ना दोनों आपके कॉन्सेप्ट यूज होंगे दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे आपका नहीं आपको बेटा अगर नहीं गिवन है क्रॉनिकल सेक्शन ऑफ द पाइप बोला है ना तो इसलिए क्रॉनिकल सेक्शन ऑफ द पाइप मतलब इस तरीके की आपकी पाइप बन रही है दैट इज वाई यू आर गेटिंग स्ट्रेट फ्लो यहाँ पर तो यहाँ पे आपका हॉरिजोंटल जो रहेगा पार्ट जो आपका एच वन और एच टू वाला पार्ट है वो नहीं रहेगा यहाँ पे आपकी हॉरिजोंटल फ्लो हो रही है ठीक है ठीक है बेटा तो अब आगे अगर हम चले अब इसका इसका आगे मूव ऑन करते हैं इसमें फॉर्मुलाज क्या क्या लगाने हैं वो समझ लो और कैसे कैसे लगाने हैं सबसे पहले आप लगाओगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है ए वन वी वन मस्ट भी इक्वल टू ए टू वी टू ठीक है नहीं बेटा वर्टिकल नहीं होएगा ये इसी तरीके से होएगा चलो समझ लो कि यहां पे मैं ऐड कर देती हूं कि हॉरिज़ॉन्टल फ्लोर है ठीक है ये लो ये मैंने ऐड भी कर दिया वरना इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको तो हॉरिज़ॉन्टल फ्लो ही होता है ठीक है ओके तो बेटा अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं यहां पे इसका मतलब क्या हुआ कि तो पाई R2 upon पाई R1 इसका मतलब क्या है कि वी वन अपॉन वी टू मस्ट भी इक्वल टू आर टू स्क्वायर अपॉन आर वन स्क्वायर आर टू आपको बनाए जीरो पॉइंट जीरो फोर तो जीरो पॉइंट जीरो फोर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर वन स्क्वायर मतलब जीरो पॉइंट वन का स्क्वायर तो इसको सब बच्चे कैलकुलेट करोगे यहाँ से आपके पास v1 अपॉन v2 की कुछ वैल्यू आ जाएगी एंड दैट विल बी इक्वल टू फोर अपॉन 25 आई थिंक सब बच्चे ये होमवर्क लेके कैलकुलेट करेंगे ये इक्वेशन सारी चेक करेंगे ठीक है इज इट ओके गाइस यहाँ तक समझ में आया कि हाँ मैम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करके हमने v1 और v2 के बीच में रिलेशन निकाल लिया ठीक है इज इट ओके यस तो चलू क्वेशन us और हम अपनी बर्नॉलीज थियरम जो अभी पढ़ी है हमने बर्नॉलीज इक्वेशन जो हमने पढ़ी है वो यूज कर लेते हैं बर्नॉलीज थियोरम ठीक है तो बर्नॉलीजरम क्या बोलता है कि पी वन प्लस रो जी एच वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वाज इक्वल टू पी टू प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर ये वाली दोनों टर्म कट जाएंगे क्योंकि एटमोनो रेट टू आपके इक्वल है हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है तो आपके पास खाली ये बच गया p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर तो मैं लिख सकती हूँ कि v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर हाफ रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी p2 माइनस p1 p2 माइनस p1 हो जाएगी ठीक है अभी आ जाएगी बेटा स्क्रीन अभी बताओ सबको स्क्रीन दिख रही है ये आपकी पिछली वाली स्क्रीन है ये पी टू माइनस पी वन गिवन है आपको बेटा ठीक है मैंने बोला क्या कि आपकी जो इक्वेशन है बर्नौली थ्योरम आपको क्या बोल रहा है पी वन प्लस रोजी एच वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू तो पी टू प्लस रोजी एच टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर तो रोजी एच वन और रोजी एच टू कट जाएंगे क्योंकि एच वन इज इक्वल टू एच टू ठीक है शोएब तो ये इक्वेशन बची है हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन आई है अब यहाँ से मैंने वेलोसिटी वाली टर्म्स को एक साइड पे ले लिया प्रेशर वाली टर्म को एक साइड पे ले लिया तो मेरे पास आ क्या गया कि v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 2p2 माइनस p1 डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज इट ओके गाइस यहां तक क्लियर है सबको ठीक है तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो आपको पी टू माइनस पी वन की कुछ वैल्यू गिवन थी कितनी गिवन थी टेन um, ही तो गिवन थी टेन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेंसिटी आपको कितनी गिवन थी टू थ्री तो ये जो आपके पास वैल्यू आएगी वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर ये आपके पास आनी चाहिए वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस टू ठीक है ये भी सब बच्चे चेक करेंगे ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई वो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है जब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे सॉल्व वन एंड टू तो आप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल पाओगे मेरी जो वेलोसिटी की वैल्यू आई वी टू की सेकेंड दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन जाएगी और फिर यहां से आप क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो ए टू वी टू तो ये आपके पास जो रेट ऑफ फ्लो है उसकी वैल्यू आएगी सिक्स पॉइंट फोर थ्री टू टेन रेस टू माइनस फोर इसकी यूनिट क्या रहेगी मीटर क्यूब पर ठीक है ये है आपका फाइनल आंसर ये सब बच्चों के लिए होमवर्क है ठीक है दिस इज योर होमवर्क कि आपको ये निकालना है ऑल राइट right, एक बार रिपीट कर देती हूँ यहां तक क्लियर है सब बच्चों को वैसे बाकी बच्चे बताओ बेटा कुछ भी नहीं किया सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाई वीवन और वीटू के बीच में एक रिलेशन आ गया उसके बाद ये बर्नौलीस थियरम लगाया रोजी एच वाली जो टर्म है वो कैंसल आउट हो गई वेलोसिटी की टर्म को एक साइड पे रखा प्रेशर की टर्म को दूसरी साइड पे रखा तो वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क् वैल्यू भी मेरे पास आ गई अब बस जो हमारे पास सपोज ये एक तरीके से मेरे पास वी टू की क्या वी वन की क्या वैल्यू आ गई वी वन इज इक्वल टू फोर वी टू अपॉइंट ट्वेंटी फाइव तो जैसे ही मैं वी वन की जगह फोर वी टू अपॉइंट ट्वेंटी फाइव लिखती हूँ वैसे ही मेरे पास वी टू जो है उसकी वैल्यू निकल आएगी ठीक है सिंपल सी बात है है ना थोड़ी सी मैथ्स करनी है बस फिर वीटू की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी वी वन की जगह आप फोर वी टू अपॉइंट ट्वेंटी फाइव प्रोटेन करोगे उसका स्क्वायर करोगे वो वन माइनस कुछ करके वो आपके पास वैल्यू आ जाती चाहिए ठीक है बेटा इज इट ओके घनश्याम समझ में आया बच्चा अब ठीक है चले आगे चले इसकी एक एप्लीकेशन पढ़ते हैं इंटरेस्टिंग अच्छी एप्लीकेशन है वो पढ़ते हैं तो चलो अब क्वेश्चन कर सकते हो एनसीआर में ये से बहुत सारे ट्राई टू दैट इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं इसके एप्लीकेशंस स्पीड ऑफ इफ्लक्स आप निकाल सकते हो मतलब आपके कंटेनर में अगर कोई छेद कर दिया है तो वो छेद में से क्या वेलोसिटी से पानी निकलेगा वो आप निकाल सकते हो ठीक है आगे वेंचुरी मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे जिसको मतलब बेसिकली अम्म वेलोसिटी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है डेंसिटी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो रेट ऑफ फ्लो जो है लिक्विड का किसी पाइप के थ्रू उसको मेजर कर सकते हो तो उसकी एप्लीकेशन में बर्नॉलीस थ्योरम यूज होता है टोरेलीस लॉ में आपको आज करवा दूंगी एटोमाइजर और स्प्रे के अंदर भी इसकी एप्लीकेशन है कि अगर आपका एटोमाइजर है स्प्रे है, उसको आप ऐसे प्रेस कर रहे हो तो उसके अंदर एक सीरेंज होती है एक पिस्टन होती है तो उसमें बर्नॉलिस इक्वेशन का यूज होता है डायनामिक लिफ्ट ऑफ एन एयरक्राफ्ट हम पढ़ चुके हैं हार्ट अटैक और ब्लड फ्लो की जब बात आती है हमारी बॉडी में वहां पर भी बर्नोलीज इक्वेशन का यूज होता है और ब्लोइंग ऑफ रूफ ड्यूरिंग स्ट्रॉम बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका भी यूज होता है ठीक है तो जो आपका स्ट्रॉम वगैरह जब आता है तब आपका देखा होगा कि छतें जो होती है घरों की उड़ जाती है तो वो क्यों होता है उसमें भी बर्नोलीज इक्वेशन का फ्रूस है सबसे पहले हम इसकी सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो पढ़ेंगे वो है है स्पीड स्पीड ऑफ ऑफ इफ्लक्स इफ्लक्स तो यहीं से से हम लॉ भी स्टडी करेंगे ठीक तो अच्छे से देखो बहुत प्यारा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सबसे पहले इसका डायग्राम पढ़ते हैं यहाँ पर आपके पास एक क्लोज कंटेनर है ठीक है एक क्लोज कंटेनर है जिसके अंदर आपने कुछ फ्लूइड भर रखा है ठीक है बेटा आपके पास एक क्लोज कंटेनर है जिसके ऊपर आपने आपने जिसके अंदर आपने कुछ भर रखा है जो ये फ्लूड है इसका यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ए टू प्रेशर पे जो टॉप पे इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है वो है आपका पी टू और फ्लूड की जो हाइट है बॉटम से वो आपको वाई टू गिवन है अब आपने एक इस कंटेनर के अंदर छेद कर दिया ठीक है उसको मैंने टू से लिख रखा है अब यहाँ पर आपने इस कंटेनर के अंदर एक छोटा सा होल कर दिया तो यहाँ से जो आपका एरिया है जो यहाँ पे आपका होल का एरिया है वो आपको एवन गिवन है वो एटमोस्फियर प्रेशर लगेगा तो है एटमोस्फियर प्रेशर लगेगा आपका तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो एटमोस्फियर प्रेशर है और जो वेलोसिटी है फ्लूइड की वो v1 है बेटा डायग्राम दिख रहा है अभी खाली डायग्राम एक्सप्लेन कर रही हूँ मैंने कुछ लिखा नहीं है घनश्याम बेटा डायग्राम दिख रहा है आपको ये डायग्राम सबको समझ में आ रहा है ठीक है तो सबसे पहले सबसे इजी चीज मैम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सबसे इजी चीज कर रही हूं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलेगी कि मैम ए वन वी वन मस्ट बी इक्वल टू ए टू वी टू तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूं कि वी टू विल बी इक्वल टू ए वन अपॉन ए टू मल्टीप्लाइड बाई वी वन इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई परेशानी बेटा ठीक है अजमत बेटा समझ नहीं आ रहा क्या लिख रहे हो नॉर्मली लिख दो प्रेशर हम बाद में देखेंगे प्रेशर की चलो टर्म बाद में देखते हैं अभी ये समझो कि अब हो क्या रहा है कि जो एरिया वन है वो तो आप देखो कि होल का एरिया है

ऑल राइट right, बेटा अभी थोड़े से बच्चे ज्यादा और पांच दस मिनट में जब क्लास ऑलमोस्ट खत्म होने वाली होगी माइक ऑन कर दूंगी तो आपके जो भी डाउट्स हैं आप माइक पे पूछ लेना ठीक है एक बार रिपीट कर देती हूँ सबसे पहले मैंने बताया कि हमारे पास एक कंटेनर है उसके अंदर मैंने हाइट वाई टू तक वाई टू जो डेप्थ है वहां तक मैंने फ्लूड भरा है उस पे फ्लूड पे आपका जो कंटेनर वगैरह की वजह से प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है पी एरिया इसका ए है इसकी कुछ विलोसिटी है वी वो हम निकाल ली जीरो आई है अब उसके अंदर मैंने एक होल कर दिया है वाई वन वाली जो डेप्थ है उसपे वाई वन डेप्थ पे मैंने एक होल कर दिया है तो यहां से जो पानी निकल रहा है वो वी वन वेलोसिटी पे निकल रहा है यही वी वन वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाकर मैंने देखा कि वी टू जो है दैट इज एवन अपॉन ए टू मल्टीप्लाइड बाई वी वन क्योंकि ए वन बहुत ही छोटा है एज कम्पेयर टू ए टू कंटेनर तो कितना बड़ा होता है होल का तो एरिया बहुत छोटा होता है ना तो इसलिए हम डी टू की जो वैल्यू है वो नियरली इक्वल टू जीरो ले लेते हैं ठीक है यहां तक क्लियर है बेटा इज इट क्लियर टिल हियर आगे चलू चलो घनश्याम बेटा आपको भी क्लियर है अब हम लगाते हैं यहाँ पे बर्न इक्वेशन ठीक है वेरी गुड निशांत बिल्कुल सही बोल रहे हो पहले वाले केस में जो प्रेशर लग रहा है वो है एटमोसफियर प्रेशर प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस रो जी अब हाइट कितनी है बाई वन रो जी वाई वन दिस मस्ट भी इक्वल टू यहाँ पे जो आपका प्रेशर लग रहा है वो कुछ पी प्रेशर लग रहा है पी टू इज इक्वल टू पी मैंने बोल दिया कुछ पी प्रेशर लग रहा है प्लस रो जी वाई टू ये हाफ रो वी टू वाली टर्म नहीं आएगी क्योंकि V2 हमने बोल दिया जीरो है ठीक है निशान अरबाज अजमत आकृति घनश्याम क्लियर है बेटा बर्नॉलीज इक्वेशन आ गई तो अब यहां से बस मेरे को वेलोसिटी की वैल्यू लिखनी है ये वैल्यू क्या हो जाएगी मैम रो जी वाई टू का स्क्वायर थोड़ी आएगा वाई टू तो एज इट इज आएगा ना रो जी वाई टू माइनस वाई वन आ जाएगा एक तो प्लस पी माइनस पी एटमोस्फियर आ जाएगा किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी ये वाई टू माइनस वाई वन डायग्राम के अंदर मैंने एच से रिप्रेजेंट कर रखा है ठीक है तो मेरे पास क्या आ गया मेरे पास आ गया कि ये जो हाफ वी वन स्क्वायर की वैल्यू है दिस विल बी इक्वल टू रो जी एच माइनस प्लस पी माइनस पी एटमोसफियर नाउ यहाँ पे रो भी तो है मेरे को बताना भूल गए ना बच्चों रो भी तो है रो ठीक है तो अब मुझे v1 स्क्वायर क्यों की निकालना है तो v1 स्क्वायर क्या होगा टू अपॉन रो मल्टीप्लाइड बाय दिस होल थिंग ठीक है मल्टीप्लाइड बाय रोजी एच प्लस टू अपॉन रो इन टू पी माइनस पी एटमोसफियर यहां तक सबको क्लियर है? है ना बिल्कुल सही बोल रहे two, तो अब तो बस इसका अंडर रूट लेना है ना मेरा काम तो हो गया अब तो ये कट गया ये रो से तो रो कट ही गया इसका अंडर रूट जब मैं ले लूंगी तो मेरे पास वी वन की क्या वैल्यू आएगी मैम वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ टू जी एच प्लस टू पी माइनस पी एटमोफियर पी माइनस पी अपॉन ये आपकी ना जनरल वैल्यू आती है काफी बुक्स में इसका एक्सप्रेशन नहीं होता सीधा आपको v1 वन इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच दे रखा होता है इसीलिए मैंने ये वाली भी डेरिवेशन करवाई है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए ये क्लियर है सब बच्चों को एक सेकेंड रुको बेटा अभी दिख जाएगी स्क्रीन नहीं दिख रही तो इंटरनेट का इशू है और कुछ दिक्कत नहीं है ये आपके पास जो इफ्लक्स वाली स्पीड है वो आ गई स्पीड ऑफ इफ्लक्स आ गई आपके पास ठीक है बेटा आगे चलू अब यहां पर आपके दो स्पेशल केसेस बनते हैं ठीक है पहला जो केस है वो केस ये है कि कंटेनर आपका ओपन हो कंटेनर इज ओपन पहला आपका स्पेशल केस है कि कंटेनर आपका ओपन है कंटेनर ओपन है का क्या मतलब है कि ये जो जो ऊपर प्रेशर होएगा इसका ऊपर वाली साइड में जो प्रेशर होएगा वो एटमोस्फियर प्रेशर के इक्वली हो जाएगा मतलब पी इज इक्वल टू एटमोस्फियर प्रेशर तो जो वी वन की वैल्यू आ गई वो तो मेरी सिंपली अंडरू टू जी एच आ गई आई नहीं आई आ गई ना बेटा P1 की वैल्यू P इज इक्वल टू P एटमोसफियर किया तो ये V1 की वैल्यू सीधा अंडर रूट टू जी एच आ गई सो दिस इज कमिंग इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी है ना फ्रीली फॉलिंग बॉडी की वेलोसिटी के इक्वल आ रही है ये तो और यही होता है आपका टॉरी सेलीज लॉ कि आपकी जो वेलोसिटी है इफ्लक्स की दैट क्या मतलब है यहां तक क्लियर है एक बार फिर से समझा देती हूँ बेटा इसमें मैंने बोला कि कंटेनर अगर ऊपर से खुला हो ठीक है इस कंटेनर के अंदर आपने कुछ फ्लूइड भर रखा है इस कंटेनर में आपने कुछ फ्लूइड भर रखा है ऐसे 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 अगर ये कंटेनर आपका ऊपर से खुला हो तो क्या होगा अगर ये कंटेनर आपका ऊपर से खुला हो तो यहां पे जो प्रेशर है वो एटमोस्फियर की वजह से लगेगा ना तो P की जो वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू एटमोस्फियर एक प्रेशर ठीक है P की जो वैल्यू है वो एटमोस्फियर एक प्रेशर की इक्वल हो जाएगी ठीक है बेटा तो इसीलिए आपकी V1 की जो वैल्यू होगी वो तो सिंपली अंडर रूट टू जी ए ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ठीक है बेटा अलग से जो डेरिवेशन है कुछ नहीं है अलग से खाली ये बोल रही है कि वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द वेलोसिटी व्हिच अ बॉडी एक्क्वायर्स देन फ्रीली इवन फॉलिंग फ्रीली हां तो क्या हुआ ये जो आपकी ऊपर वाली टर्म है p माइनस p एटमॉस्फेरिक यही जीरो हो गई ना आपकी तो क्या है ये वाली पूरी टर्म ही जीरो हो गई फिर तो जब ऊपर वाली टर्म जीरो हो गई तो ये क्लियर है बेटा विश्वकर्मा विक्रम निशांत घनश्याम क्लियर है अभी हाँ हाँ बेटा जीरो अपॉन रो इज इक्वल टू जीरो अब सेकेंड टर्म क्या बनती है वो और भी बढ़िया है सेकेंड टर्म आपकी सेकेंड स्पेशल केस आपका और बनता है वो है कि जब आपकी ये जो प्रेशर है ये बहुत 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 ज्यादा बड़ा है एटमोस्फियर प्रेशर के केस में तो ये जो चीज है ना ये रॉकेट प्रोपल्शन में होती है जब आप रॉकेट प्रोपल्शन की बात कर रहे हो तब ये चीज होती है प्रोपल्शन की प्रोपल्शन इस केस में आपकी ये जो root, 2GH वाली टर्म है ये आप, uh, कर सकते हो, और डायरेक्टली आप लिख सकते हो वी वन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू पी माइनस पी एटमोस्फियर डिवाइडेड बाय रू ये केस वैसे आपसे इतना पूछा नहीं जाता बट ठीक है आपकी बुक्स में लिखा हुआ है कुछ कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी आ जाए तो आपको पता चल गया ठीक है तो इस केस में आपका जो भी कंटेनर का प्रेशर है खाली उस पर डिपेंड कर रहा है कि आपका क्या है वैल्यू कितनी है आपकी वी वन की ठीक है तो ये आपका रॉकेट प्रोपल्शन के केस में होता है ऑल राइट इज ओके गाइज यहाँ तक क्लियर है सबको इतना ही पढ़ेंगे आज की क्लास में ठीक है ये वेंचुरी मीटर वगैरह सबके ना मैं आपको नोट्स के अंदर एड करके दूंगी हाँ जब आपका प्रेशर वाला जो टर्म है वो इतना बड़ा हो गया तो हम टू जी एच वाली टर्म को निग्लेक्ट कर सकते हैं ठीक है मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ केस टू में क्या हो रहा है बेटा कि जो प्रेशर आपको बोल रखा है, है वो इतने हाई प्रेशर पे है कि एटमोसफियर प्रेशर से बहुत बड़ी वैल्यू है आपकी तो ये वाला केस आपका रॉकेट प्रोपल्शन में होता है ऑल right, तो इस केस में हमने जो टू जी वाली टर्म है वो अवॉइड करती है इज इट ओके इज इट ओके बेटा एक तो आपकी आइडियल गैसेस होती हैं रियल गैस आपकी होती है जो आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती तो इनका जो बिहेवियर होता है जो मॉलिक्यूल्स हैं हैं उनके बेसिस पे हम एक्सप्लेन करते ठीक है तो रियल गैसेस एक तरीके से रियल क्लासेस आर वेरी क्लोज टू जैसे हमारे आसपास जो गैसेस हैं उनके बहुत क्लोज होती है रियल गैसेस आइडियल गैसेस तो बिल्कुल आइडियल हो गई जो एग्जिस्ट नहीं करती रियल गैसेस आपकी होती हैं जो आइडियल गैसेस के हिसाब से नहीं चलती आइडियल बिहेवियर फॉलो नहीं करती और उनके मॉलिक्यूल्स कुछ अब स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं एबिलिटी भी भी है उनमें एक दूसरे से भी करते तभी तो प्रेशर ज्यादा है ना एटमोस्फियर प्रेशर में कंटेनर ओपन होगा तो कैसे प्रेशर बनेगा अगर कंटेनर ओपन होगा तो पी की कुछ वैल्यू ही नहीं आएगी फिर तो एटमोस्फियरिक प्रेशर के इक्वल हो गया ना? हाँ बेटा वेंचुरी मीटर नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करूंगी बाकी मैं ट्राई भी करूंगी कि वेंचुरी मीटर भी बहुत इजी है बहुत ज्यादा इजी है हॉरिजॉन्टल फ्लो की जो इक्वेशन पड़ी थी वो बनती है रोजी एच वाली टर्म कैंसिल हो जाती है तो एक बार वो मैं आपको नोट्स की तरह भी प्रोवाइड करूंगी ताकि वो वाली चीज़ भी आप स्टडी कर पाओ ठीक है वरना एक बार नेक्स्ट क्लास में भी ये चीज हम डिस्कस कर लेंगे अब आपके नेक्स्ट क्लास आपके जब बैचेस डिवाइड होंगे तभी होंगी ठीक है तो तब भी हम ये ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे या तो फिर इसके क्वेश्चंस करवा लेंगे या फिर कुछ और कर लेंगे